पहले सीन में हम देखते हैं एक नन को जो एक लड़की की तरफ बढ़ रही थी। लड़की के सामने आते ही उस नन ने लड़की पर गन पॉइंट कर दी और जैसे ही वो उसे शूट करती सीन शिफ्ट हो गया, जहां हम देखते हैं ग्रेस नाम की लड़की को जो कि पेशे से आंखों की डॉक्टर है। उसके पास एक ओल्ड एज कपल इलाज के लिए आए थे, लेकिन ग्रेस ने उन्हें अपने ही एक दोस्त के पास भेज दिया क्योंकि उस फील्ड में उसका वो डॉक्टर दोस्त ज्यादा अच्छा था। शाम होते ही वो अपने घर आ गई, जहां वो किसी को मेल कर रही थी कि तभी उसके घर की लाइट चली गई। वो टॉर्च लेने निकली तो देखा कि उसकी और उसके भाई की फोटो पर खून लगा हुआ है। तभी उसे लगा उसके पीछे कोई है, पर वहां कोई नहीं था और उसको फोन के रिंग होने की आवाज आई। उसने फोन उठाया तो वो कॉल स्कॉटलैंड से DCI हैरिस का था, जिन्होंने बताया कि ग्रेस का भाई माइकल मर चुका है और जल्दी से ग्रेस को स्कॉटलैंड आना होगा। अगली सुबह ग्रेस जल्दी से स्कॉटलैंड के लिए निकल गई, जहां वो सबसे पहले DCI हैरिस से मिलने पहुंची। DCI हैरिस ने उसे बताया कि उसके भाई माइकल ने पहले तो एक पादरी को मारा और फिर खुद सुसाइड कर ली। ग्रेस ने मना करते हुए कहा कि मेरा भाई किसी और की क्या, खुद की भी जान नहीं ले सकता। असल में उसका भाई चर्च में पादरी था, लेकिन ग्रेस रिलीजन के मोह माया से ऊपर उठ चुकी थी। हैरिस उसको चर्च में लेके आया, जहां उसकी मुलाकात इन अम्मा से हुई जिनका नाम है मदर सुपीरियर। कहानी में आगे मैं इनको सिर्फ सुपीरियर ही बोलूंगा दोस्तों। सुपीरियर ने बताया कि जब तुम्हारे भाई ने हमारे पादरी की जान ली तब वो तुम्हारा भाई नहीं था, बल्कि वो तो किसी शैतान के काबू में आकर ये सब कर रहा था और शैतान से ना लड़ पाने की वजह से उसने खुद की ही जान ले ली। ग्रेस ने उसकी इस बात को बकवास के फॉर्म में ले लिया। उसके बाद वो अपने भाई की सुसाइड लोकेशन पर पहुंची, जहां DCI हैरिस ने बताया कि तुम्हारा भाई एक पादरी था, इसलिए उसका केस एक दूसरा पादरी ही देख सकता है, जिसके लिए रोम से रोमेरो नाम के पादरी आ रहे हैं। रोम से रोमेरो अगर लंदन से आते तो खैर। उसने लोकेशन को अच्छे से देखा लेकिन उसे कोई ठोस सबूत नहीं मिला। इसके बाद वो अपने भाई की बॉडी देखने गई और वहां पहुंचकर रोने लगी, लेकिन उसने ये बात नोटिस करी कि उसके भाई की बॉडी पर कोई रेत नहीं थी, जबकि सुसाइड लोकेशन पर काफी रेत पड़ी हुई थी। तभी उसे माइकल की आत्मा दिखी जो उसे कह रही थी कि ये लोग बहुत बुरे हैं। वो ये सब झेल नहीं पाई और वहीं बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसके सामने रोम से आए पादरी रोमेरो खड़े थे, जिन्होंने बताया कि ग्रेस अपने भाई की बॉडी देखकर बेहोश हो गई थी। उसने पूछा कि क्या मैं तुम्हारे किसी फैमिली मेंबर को बुलाऊं? तब ग्रेस ने बताया कि अब वो अकेली हो चुकी है क्योंकि उसके मॉम को उसके ही डैड ने मार दिया था और अब उसके डैड जेल में है। उसके बाद रोमेरो वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद ग्रेस फिर से माइकल की सुसाइड लोकेशन पर पहुंची, जहां उसने देखा कि जैसे बहुत सारी नन वहां से कूदकर अपनी जान दे रही हैं, लेकिन तभी वो खुद बेहोश होकर पानी में गिर गई। कितना बेहोश होगी बहन। जब उसकी आंख खुली तो वो चर्च में थी। उसके कपड़े नन की ड्रेस से बदल दिए गए थे, साथ ही उसका फोन भी गायब था। ग्रेस ने सुपीरियर से जाके कहा कि मुझे मेरे कपड़े और फोन वापिस दो। सुपीरियर ने कहा कि पहली बात तुम्हारे कपड़े गीले हैं, दूसरी बात अब खाने का टाइम हो रहा है तो चुपचाप लंच करके रेस्ट करने जाओ, और तीसरी बात आपको कहानी के एंड में पता चलेगी। अब पादरी रोमेरो ग्रेस को माइकल की सुसाइड लोकेशन पर लेके आए, जहां उन्होंने इस निशान को दिखाते हुए कहा कि लोगों ने जितने भी गुनाह किए होते हैं वो लोग अपने गुनाहों की माफी मांगते हुए इस निशान से उतने ही कदम पीछे जाते हैं, और अगर कोई ज्यादा ही पापी किस्म का इंसान हुआ तो वो अपने गुनाह मानते मानते नीचे गिर जाएगा, लेकिन जीसस उस पापी को संभाल लेंगे। अब वो ग्रेस को माइकल के कमरे में लेके आया, जहां उसकी कुछ चीजें रखी हुई थी। रोमेरो ने कहा कि तुम अपने भाई की चीजें आराम से यहाँ देख सकती हो। ग्रेस सामान देखने लगी तो उसको एक डायरी मिली जिसमें माइकल ने मच्छर मारने जैसी राइटिंग में कुछ लिखा हुआ था। ग्रेस ने पढ़ा तो उसमें ग्रेस के लिए स्पेशल नोट था कि वो बहुत अच्छी लड़की है, पहली बार जब उन्होंने उसको अडॉप्ट किया तो वो काफी स्पेशल थी। तभी उसने शीशे में किसी को जाते हुए देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था।
यहाँ रोमेरो सुपीरियर से मिला और गुस्से में बोला कि तुम सब मिलकर इस चर्च की रेपुटेशन गिराना चाहते हो क्या, जो पुलिस को ये कह रहे हो कि माइकल और उसके साथ वाले पादरी को एक शैतान ने मारा है। सुपीरियर ने कहा कि हम कोई झूठ थोड़ी कह रहे हैं, अभी आपको उस लड़की की ताकत का अंदाज़ा भी नहीं है। तभी उन्हें लगा जैसे उनके आसपास कोई आ गया है, लेकिन वहाँ उन्हें कोई नहीं दिखा। दूसरी तरफ ग्रेस को डायरी पढ़ते हुए आवाज़ आई कि जैसे एक नन सॉरी कहते हुए भाग रही है। जब वो उसके पीछे भागी तो मैग नाम की नन ने उसके सामने ही सुसाइड कर ली, और तभी पीछे से मैग आ गई। वो काफ़ी डर गई और उसने मैग से एक फ़ोन कॉल करने के लिए हेल्प मांगी। अब उसने अपने उसी डॉक्टर दोस्त को कॉल किया और बताने लगी कि माइकल मर गया है और वो एक चर्च में फंस चुकी है जहां उसको उल्टे सीधे विजन आते रहते हैं। तभी वहां सुपीरियर आ गई और उसने ग्रेस से पूछा कि बताओ तुम्हें कैसे विजन आते हैं। ग्रेस उसे बिना कुछ बताए वहां से जाने लगी। तब सुपीरियर ने बताया कि ये विजन तुम्हारे पास्ट और फ्यूचर से जुड़े होंगे। अगले दिन से डीसी हैरिस भी इस केस पर काम करने लगे। उन्होंने सुपीरियर से पूछा कि उन्होंने माइकल की बॉडी को साफ क्यों किया था। तब सुपीरियर ने बताया कि माइकल की बॉडी को कीड़े खा रहे थे और वो इस लायक नहीं था कि उसकी बॉडी को जीसस के सामने प्रेजेंट किया जा सके, इसलिए उसकी बॉडी को साफ करना जरूरी था। हैरिस ने कहा, ओ अच्छा, मतलब आपने दूसरे पादरी की बॉडी वैसे ही छोड़ दी और माइकल को नहला धुला के प्रेजेंट कर दिया। वो समझ गया। जरूर कोई ना कोई गड़बड़। दूसरी तरफ ग्रेस फिर से माइकल की डायरी पढ़ने लगी और इस बार सीन फ्लैशबैक में गया जहां हमें पता चला कि उसके डैड हमेशा ग्रेस, उसके भाई और इसकी माँ सबको मार पीट के पिंजरे में बंद रखते थे। लेकिन एक दिन उसकी माँ वहां से भाग गई। उसी बीच जब ग्रेस अपने भाई को पिंजरे से निकाल रही थी तभी उन्हें उनकी माँ की चिल्लाने की आवाज आई। उसने देखा कि उसके डैड ने उसकी माँ को मार दिया। ये देखकर वो ऊपर वाले फ्लोर के बेड के नीचे छुप गई। उसके डैड उसे ढूंढने ऊपर कमरे में आए और तभी एक अनजान शक्ति ने उसके डैड पर हमला किया। उस हमले से उसके डैड तो नहीं मरे, लेकिन सीन प्रेजेंट में आ गया जहां ग्रेस ने रोमेरो को बताया कि माइकल ने अपनी डायरी में लिखा है कि बचपन में ये चर्च उन दोनों को अडॉप्ट करने वाला था। रोमेरो ने कहा, इसका तो मुझे ज्ञान नहीं, लेकिन तुम्हारा भाई यहाँ इस चर्च की हिस्ट्री से जुड़ा कुछ पता करने आया था। असल में 1993 में आए एक भूकंप के चलते ये चर्च टूट चुका था, जिसके बाद इसकी दोबारा कंस्ट्रक्शन हुई। यहाँ से सीन दोबारा फ्लैशबैक में आया जहाँ चर्च से दो लोग ग्रेस और माइकल को अडॉप्ट करने आए थे। वो लेके तो उन दोनों को गए, लेकिन बीच रास्ते में ही माइकल को कार से उतार दिया और वो पादरी ग्रेस को कुछ स्मेल कराने लगा, पर तभी आगे जाकर उस कार का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होते ही सीन फिर से प्रेजेंट में आ गया जहां रोमेरो ने ग्रेस को इस चर्च की हिस्ट्री से जुड़ी एक बुक पढ़ने के लिए भिजवाई। अब पढ़ते हुए ग्रेस को काफी देर हो गई थी, इसलिए वो थोड़ा घूमने फिरने निकल गई जहां उसने एक खुफिया दरवाजा देखा और वो उस दरवाजे के अंदर चली गई। अंदर काफी अंधेरा था कि तभी उसने एक चीज पर हाथ लगाया और उसे विजन आया कि उसके भाई को चर्च के ही लोग दबा दबा कर मार रहे थे और उसके भाई ने अपनी जान बचाने के लिए उस पादरी को मार दिया। ये देखकर वो डरते हुए वहां से बाहर आने लगी कि तभी वहां चाकू लेके एक नन आ गई जो उसे ही मारने आई थी। लेकिन तभी उस नन पर एक शक्ति ने कंट्रोल करके वो चाकू उल्टा उसी की बॉडी में घुसवा दिया। यहाँ सुपीरियर भी आ गई, जिसके बाद अब पुलिस ने ग्रेस को उस नन के मर्डर केस में अरेस्ट कर लिया। उससे पूछताछ हो रही थी कि तभी रोमेरो ने उसे बेल दिलवा दी क्योंकि किसी नन ने ये गवाही दे दी कि उसने सब कुछ देखा था और ग्रेस निर्दोष है। लेकिन ग्रेस ने कहा, वो नन झूठ बोल रही है क्योंकि हम तो वहाँ अकेले थे। हैरिस ने कहा कि मैं तो क्या ही कर सकता हूँ, लेकिन हाँ, सुपीरियर अभी मेरी ही कस्टडी में रहेगी। ग्रेस वहां से निकलकर अपने डैड से मिलने पहुंची। उसके डैड ने उसे देखते ही कहा, मैं तुम्हारा कोई डैड नहीं हूँ, तुम्हारा डैड तो नरक में सड़ रहा होगा। जब ग्रेस ने बताया कि माइकल अब नहीं रहा, तब उसके डैड सैड हो गए।
फिर चिल्लाते हुए कहने लगे कि उसको वापस ले आओ, मुझे पता है तुम उसको वापस ला सकती हो, वापस लाओ वापस लाओ। ग्रेस डर के वहां से भाग गई और सीधे चर्च में आई, जहां ये सारी नन फर्श पर चारों खाने चित पड़ी थी। ग्रेस अंदर आई तो वो मैग से मिली और तभी उसके पीछे से ये गब्बर सिंह वाली नन ने हमला करने की कोशिश की, पर फिर उसी अनजान शक्ति ने उसको बचा लिया। ये देखकर मैग वहां से डर के भागने लगी और ग्रेस उसको संभालने के लिए उसके पीछे भागी, लेकिन जब तक वो उसे रोकती मैग ने खुद को मार लिया। और यही विजन ग्रेस को कुछ दिन पहले आया था, तभी उसको शीशे में उसके ही जैसी एक नन दिखी। वो काफी डर गई और वापस चर्च में आई, जहां उसे रोमेरो दिखा। उसने रोमेरो से कहा कि शायद मेरे डैड सही थे, मेरे साथ कुछ तो गलत जरूर है, मुझे पास्ट और फ्यूचर के बारे में विजन आते रहते हैं। रोमेरो ने कहा कि मैं तुम्हारे इन विजन को बिल्कुल खत्म कर दूंगा। बाकी नन उसको हवा में उठा के क्रॉस के सामने लेके आई। रोमेरो ने ग्रेस से कहा कि तुम्हें अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए इस कब्र में जाना होगा, जिससे तुम्हारे गुनाह माफ हो जाएंगे। ग्रेस को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर फिर भी वो उस कब्र में चली गई। जैसे ही वो उस कब्र में गई, उन्होंने अपने प्लान के मुताबिक उसको उसी कब्र में बंद कर दिया। यहाँ ग्रेस को कब्र में एक ऐसा विजन दिखा जिसमें उसको ऐसे ही कब्र में बंद किया गया था, लेकिन तभी ऊपर से रोमेरो की गर्दन में एक नुकीला क्रॉस घुस गया। सारी नन की वहां हवा टाइट हो गई और सब इधर उधर भागने लगी। ग्रेस भी उस कब्र से बाहर आ गई और रोमेरो से पूछने लगी कि क्यों तुम मुझे इस कब्र में कैद करना चाहते थे। रोमेरो ने कहा कि तुम्हें तो कैद करना ही था, क्योंकि तुम्हारी इस डार्कनेस और भगवान को ना मानने की वजह से तुमने अपने भाई को खो दिया। अरे तुम्हें तो अपने भाई से अपने गुनाह की माफी मांगनी चाहिए। यह सुनते ही ग्रेस अपने गुनाह की माफी के लिए माइकल की सुसाइड लोकेशन पर पहुंची, जहां डीसीआई हैरिस भी उसे ढूंढते हुए पहुंच गया। लेकिन तब तक ग्रेस ने ऊपर से कूदकर अपनी जान दे दी। लेकिन दोस्तों, अब खुलेंगे सारे राज। याद है मूवी की शुरुआत में ग्रेस के घर उसकी और उसके भाई की फोटो पर ब्लड था? याद है कैसे बचपन में ग्रेस के डैड पर किसी शक्ति ने अटैक किया था? कैसे बचपन में माइकल को गाड़ी से उतारते ही गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ? कैसे उस नन का ग्रेस पर अटैक करते हुए खुद को मारना? ये सब पता है किसने किया? खुद ग्रेस की आत्मा ने। असल में ग्रेस, रुको पहले थोड़ी कहानी और सुन लो। अब अगले दिन डीसीआई हैरिस ग्रेस की बॉडी ढूंढवाने लगे, लेकिन उसकी बॉडी कहीं नहीं मिली। और यहाँ हम देखते हैं ग्रेस का वही डॉक्टर दोस्त उसी के साथ कैफे में बैठा था, जहाँ उसने बताया कि तुमने जिस ओल्ड कपल को मेरे पास भेजा था, उसकी आंखें तो पहले से ठीक थीं। उस ओल्ड कपल ने बताया कि जैसे कोई उसकी आंख पर जादू कर गया हो। और यहाँ हम देखते हैं उसकी ही आत्मा ने उस बूढ़ी औरत की आंखें ठीक की थी। और तो और, मूवी की शुरुआत में जब एक नन ने इसकी तरफ गन पॉइंट की, उस वक्त भी नन का एक कार से एक्सीडेंट हो गया था, और वो एक्सीडेंट भी बताने की जरूरत तो नहीं है। कहानी काफी घूमी हुई थी, तो चलो मैं अब आपको क्लियर करता हूँ। काफी समय पहले ग्रेस को उसी चर्च में ऐसे ही कब्र में बंद किया गया था, क्योंकि वो एक विच थी। उसको चर्च ने डार्कनेस की नजर से ही देखा था, लेकिन उस कब्र में रहते हुए वो कभी बूढ़ी नहीं हुई। और जब 1993 में भूकंप आया, तो तबाही के बीच वो उस कब्र से निकलने में कामयाब हुई, जिसके बाद माइकल की फैमिली ने उसे अडॉप्ट कर लिया, जिसके बाद चर्च ने उसे अडॉप्ट करने के बहाने बुलाना चाहा, लेकिन अब उसकी आत्मा डेवलप हो चुकी थी, जिसने उसे बचा लिया और आगे भी हमेशा बचाती रही। चर्च वालों ने उसके भाई को इसलिए ही मारा था क्योंकि वो उसकी बहन का सारा सच जानना चाहते थे, लेकिन उसको खुद ग्रेस की सच्चाई का नहीं पता था। अब हो गया ना क्लियर? अगर नहीं हुआ तो कमेंट्स में मुझसे पूछ लेना, सबके कमेंट का रिप्लाई देगा आपका दोस्त। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, हाथ से करो पैर से करो बस कर लो। तो चलो अपने हिसाब से लाइक कमेंट कर देना, और अब हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।